हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नेशनल मेल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आप सभी को क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी के आगे क्रम में फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आप सभी के समक्ष जो है ढेर सारे क्वेश्चंस को हम लाए हुए हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक देखिए क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, एक जो है वयस्क अंकुश मादा की लंबाई कितनी होती है। तो जो वयस्क अंकुश मादा की लंबाई होती है वो 12.5 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अंकुश कृमि मानव शरीर में प्रवेश करता है। जो अंकुश कृमि है मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो अंगूठों और अंगुलियों के बीच में पतली त्वचा के द्वारा बिल्कुल इससे भी प्रवेश करता है। दूसरा क्या है, अगला ऑप्शन है पंजों के पिछले भाग से, ये भी सही है। एड़ियों के अंदरूनी भाग से, ये भी सही है। इसके मतलब इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष हम रखते हैं कि निम्न में से अंकुश कृमि के अंडे की विशेषता है, अंकुश कृमि की अंडे की जो विशेषता है वो क्या है। देखिए दीर्घ वित्तीय अंडाकार ये होता है, 65 अंडे लंबे और 40 चौड़े। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। रंगहीन होता है और पारदर्शी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। इसके मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंकुश कृमि रोग का संक्रामक एजेंट क्या है। देखिए जो अंकुश कृमि है इसके रोग का जो संक्रामक जो एजेंट है वो है फाइलेरी वर्म लार्वा। ठीक है, फाइलेरी वर्म लार्वा यही इसका एजेंट है। अगला देखते हैं अंकुश कृमि का शरीर में स्थान परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो इसका जो स्थान परिवर्तन होता है ये फेफड़े के द्वारा होता है। अंकुश कृमि मानव शरीर में कहाँ पर जमा होते हैं, तो ये जो जमा होते हैं ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, छोटी आंत में ये जमा होते हैं। आगे देखते हैं एनसाइक्लोस्टोमा लार्वा द्वारा जनित प्रभाव है, ये जो है ये उपरोक्त सभी पर है। त्वचा पर घाव पैदा करते हैं, त्वचा रोग में त्वचा में इन्फ्लामेशन भी पैदा करते हैं और फेफड़े में घाव भी पैदा करते हैं। अगला देखते हैं कि अंकुश कृमि से होने वाले रोग में उपचार दवा दी जाती है, कौन कौन सी दवा दी जाती है। देखिए थाइबेंडाजोल भी दी जाती है और पैरेंटल पाइमोट भी दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन भी, मेंडाटिंडाजोल, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम फिर आप लोगों को करवाते हैं। गिनी क्रीम, अगला क्वेश्चन है गिनी क्रीम का अंतिम मामला भारत में कब आया। 1996 में ये मामला आया कि कब आया, 1996 में गिनी क्रीम का अंतिम मामला आया। अब देखते हैं हम आगे गिनी क्रीम रोग का जो एजेंट है वो क्या है। ये जो एजेंट है डेनिनकुलस मेडियोनस, क्या है डेनिनकुलस मेडियोनस, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं गिनी क्रीम यानी मादा, गिनी क्रीम जो है वो मादा की लंबाई कितनी होती है। ये लंबाई होती है 55 से 120 सेंटीमीटर। नर की लंबाई कितनी होती है, 2.3 यानी कि नहीं 2.3 कह सकते हैं कि मीटर, यानी कि आप 23 जो है सेंटीमीटर की बात करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाए। गिनी क्रीम का विकास अपने भ्रूण चक्र का कितने दिनों में पूरा करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 से 14 दिन। गिनी क्रीम से होने वाले रोग में उपचार दी जाती है, कौन सी उपचार दी जाती है, तो इसमें आपको मेट्राटेंडाजॉल, एल्बेंडाजॉल, निरेटेंडाजॉल, यानी कि सब दिया जाता है, सारा ऑप्शन सही है। भोजन विषक्तता यानी कि पॉइजनिंग की बात कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग की बात कर रहा है, तो इसमें सारे एजेंट का, सालोमिना टाइफी भी करता है, बॉटलिज्म भी करता है और स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया भी करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो भोजन विषक्तता होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, इसका उद्भवन काल कितना है, तो 12 से 24 घंटा इसका है। अगला देखते हैं निम्न में से भोजन विषक्तता की विशेषता के लक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण हैं। देखिए जब भोजन आपको जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो फूड पॉइजनिंग में आपको पतला दस्त भी आने लगता है, आप कह सकते हैं कि 1% तक उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, और हम देखते हैं कि कपकपी के साथ बुखार, उल्टी, मिचली, ये लक्षण एकदम सामान्य हो जाते हैं, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं स्टेफाइलोकोकल
जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकल भोजन विषाक्तता की उद्भवन अवधि होती है इसमें एक से छः घंटे में आपको ये जो है इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि अगर खाए हुए खाना तो 1 से 6 घंटे में आपको कैसा नुकसान कर रहा है। आगे देखते हैं निम्न में से सबसे गंभीर भोजन विषाक्तता का कारक है। देखिए क्लॉस्ट्रिडियम सी बॉटुलिज्म, इसमें बॉटुलिज्म दिया गया है लेकिन इसका नाम क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म एकदम सही ऑप्शन है आपका। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म जो है ये आपका सबसे खतरनाक है, सबसे गंभीर है, इसकी कारण से 1% मृत्यु लगभग संभव है। मतलब कि अगर इसको सही समय पर केयर नहीं किया गया तो डेथ की कंडीशंस हो सकती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में बॉटुलिज्म भोजन विषाक्तता का कारण है। देखिए भोजन में निगलने में कठिनाई बिल्कुल होगा, इसके साथ साथ आप देखते हैं दोहरी दृष्टि दोष ये भी हो सकता है, जो देखने में आपको धुंधलापन लगेगा, मांसपेशियों में कमजोरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में मलेरिया परजीवी है जिसमें मलेरिया रोग का वाहक होता है। देखिए उपरोक्त सभी मलेरिया परजीवी है, जो कि चाहे वाइवेक्स हो, चाहे प्लाज्मोडियम मलेरी हो, फैल्सीपेरम हो, चाहे ओबेली हो, उपरोक्त सही सभी ऑप्शन हो जाएंगे। भारत में मलेरिया के अधिकांश मामले कब देखे जाते हैं, जुलाई टू नवंबर में, बरसात के महीने में मलेरिया के अधिकांशतः केस देखे जाते हैं। भाई जुलाई अगस्त सितंबर में जो बारिश होती है इसी में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। आगे देखते हैं कि मलेरिया परजीवी के विकास हेतु तापमान की आवश्यकता होती है, कितने तापमान की आवश्यकता होती है, 25 से 30 डिग्री यहाँ ऑप्शन जो है आपको ये 25 से 30 डिग्री यानी कि 20 से 30 डिग्री वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया परजीवी की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, देखिए ग्रामीण जो उस वहाँ पर है वहाँ मलेरिया की जो होगा ये कैलनकुलोसी जो है पाया जाता है। आगे देखते हैं शहरी क्षेत्रों में मलेरिया परजीवी का ये एन स्टिफिन पाया जाता है, ये सबसे कॉमन प्रजाति है। आगे देखते हैं मलेरिया रोग फैलाने वाले मच्छर की विशेषता क्या है, देखिए हिमाचल प्रदेश में और DSSB दिल्ली में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिल्ली में मेडिकल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काटने की आदत सूर्यास्त से सूर्योदय तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, प्रजनन जो है क्षमता जो है स्थिर जल में, ठहरने के स्थान पर अंदरूनी दीवार, अधेरी जगह या उपरोक्त सभी ऑप्शन, यानी मलेरिया रोग जो मच्छर फैलाता है उसका विशेषता है कि काटने की आदत जो होगी उनकी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक होता है, बिल्कुल सही है। प्रजनन जो उसकी होती है स्वच्छ जल में, बिल्कुल सही है। ठहरने का स्थान दीवार के अंदरूनी या अधेरी जगह पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी सही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मलेरिया मच्छर का औसत जो जीवन काल कितना होता है, ये होता है 8 से 24 दिन होता है। आगे देखते हैं मलेरिया की उद्भवन अवधि कितनी होती है, सामान्यतः 10 दिन की होती है मलेरिया रोग की उद्भवन की अवधि। आप लोगों को हमारे द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, आप सभी लोग इसको, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए निम्न में से मलेरिया रोग जटिलता है, मलेरिया रोग की जटिलता, मलेरिया रोग की जटिलता, देखिए दिमागी बुखार होना, लीवर को नुकसान पहुंचाता, गुर्दा फेल होना, शरीर में पानी की उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मलेरिया रोग की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो पेरिफेरल ब्लड स्मियर टेस्ट कराया जाता है। पेरिफेरल ब्लड स्मियर टेस्ट में क्या होता है कि जो ब्लड लेते हैं इसका पेरिफेरल स्मियर यानी एक जो है स्मियर बनाते हैं, ब्लड को लेकर के एक स्मियर बनाते हैं, उसके बाद उसमें स्मियर में हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखते हैं कि उसमें कौन सा लार्वा कैसे क्या किस चीज़ का है, ठीक है ना, उससे हम पता चल जाता है, उससे हमारा उसके पूरे लाइफ साइकिल्स और सारी चीज़ के बारे में हम पता कर लेते हैं। अगला देखते हैं मलेरिया में कौन सी दवा दी जाती है, आप सबको मालूम होगा कि मलेरिया में क्लोराक्यून है, डेक्सासिलोन है, क्यूनिन है, ये सारी दवा मलेरिया की है, ओके। और मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग कैसे होता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज से, ठीक है, पी प्लाज्मोडियम बायबैक्स ओबेली मलेरी फैल्सीपेरम इसी स्पीसीज से। आगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्न में से मलेरिया परजीवी है, जो मलेरिया परजीवी है मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। दोस्तों मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश में मलेरिया उन्मूलन
कब चलाया गया? देखिए भारत देश में जो मलेरिया का उन्मूलन हुआ है 1958 में चलाया गया है। आज ही हमने इस क्वेश्चन को इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था हमने कि मलेरिया की जो शुरुआत हुई है, मलेरिया एंटी मलेरिया प्रोग्राम जो चलाया गया 1958 में चलाया गया है। मच्छरों पर नियंत्रण करते हैं, मच्छरों पर नियंत्रण कौन कौन से करते हैं, जैसे कि मच्छर किसी एरिया में फैलाव है तो वहाँ पर हम DDT का, मेथाइलियन का, सिंथेटिक पेरी डॉक्साइड से या डेल्टा मैथ्रिन से, इन सभी का छिड़काव करके हम मच्छरों पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से रासायनिक है जिससे मच्छरों पर नियंत्रण करते हैं, तो इसमें चाहे मॉस्किटो आयल है और टेम्फोस है, ए एंड बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए। अगला फिर स्टार्ट करते हैं फाइलेरियासिस की बात करते हैं हम। फाइलेरियासिस कौन से मच्छर से होता है, तो आप जानते हैं कि ये जो है ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से? क्यूलेक्स मच्छर से। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा फाइलेरिया परजीवी जिससे फाइलेरियासिस रोग फैलता है, उचरेरिया ब्रैंकेफ्टाइस का नाम है, उकेरिया दिया गया है, ब्रूमिया टिमेरी दिया गया, ब्रूगिया मलाई दिया गया, उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं, इसमें उचरेरिया या बुकेरिया कह सकते हैं ब्रैंकेफ्टाइस इसकी स्पीसीज है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर पानी में अंडे देता है, देखिए जो क्यूलेक्स मच्छर होता है ठहरे हुए गंदे पानी में ये अपना अंडा देता है, कहाँ अंडा देता है, ठहरे हुए गंदे पानी में। अगला देखते हैं क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को कब काटता है, देखिए जो क्यूलेक्स मच्छर है वो रात में काटता है मनुष्य को। फाइलेरियासिस का उद्भवन अवधि कितना है, ये 8 से 12 महीने है। फिर आगे देखते हैं फाइलेरिया मच्छर नियंत्रण करता है, देखिए लार्वारोधी तेल और ऑर्गेनोफॉस्फेट डहर दोनों है ये, यानी कि इसका ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंगू जर किछ मच्छर के काटने, एडीज एगेप्टाइक मच्छर है उससे काटने से डेंगू हो जाता है। एडीज मच्छर अंडे कहाँ देता है, हमने बताया था कि एडीज मच्छर आपके जो डेंगू का मच्छर होगा वो मिट्टी के बर्तन में भी, किसी धातु का बना हुआ ड्रम अगर होता है, टायर कहीं पंचर है, कहीं ट्यूब रखी हुई है, वहाँ पर कंक्रीट की टंकी में, यहाँ सब हो देता है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। रेबीज़ क्या है, आप जानते हैं कि रेबीज़ क्या होता है, रेबीज़ में हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है। रेबीज़ कौन कैसे क्या क्या है, वायरस है, कैसे क्या होगा, जब क्या बोलते हैं डॉग या काट लेता है तो उसके काटने से रेबीज़ हो जाता है, और रेबीज़ में क्या होगा उसको, उस पेशेंट को पानी से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिया मतलब डर होता है। रेबीज़ का कारक क्या है, ये देखिए रेबीज़ का कारक एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम बिल्कुल नहीं होगा, ये है नारका वायरस बिल्कुल नहीं होगा, लेसा वायरस टाइप वन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं रेबीज़ का टीका दिया जाता है इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या फिर चमड़ी के नीचे, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका टीका दिया जाता है वो दिया जाता है इंट्रा, ये इंट्रा जो है अब तो इंट्रा मस्कुलर दिया जाने लगा है, ठीक है, IM देने जा रहा, पहले क्या था इंट्राडर्मल दिया जाता था, ओके। चलिए अगला देख रहे हैं रेबीज की बात जिसकी हम कर रहे हैं, तो रेबीज रोग है हृदय का, पैर का, आँख का या केंद्रीय स्नायु तंत्र का, ना रेबीज़ आँख का है, ना पैर का है, ना हृदय का है, रेबीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेबीज़ की बूस्टर डोज कब लगाई जाती है, देखिए रेबीज़ की जो बूस्टर डोज है वो 2 वर्ष के अंतराल पर लगाई जाती है। आगे देखते हैं सेल कवर वैक्सीन की बूस्टर डोज रेबीज़ के बचाव हेतु कब लगाई जाती है, तो 20वें दिन लगाई जाती है सेल कल्चर वैक्सीन बूस्टर डोज रेबीज से बचाव के लिए कब लगाया जाता है, ये 20वें दिन में। कुत्तों में रेबीज कितने प्रकार का होता है, तो कुत्तों में रेबीज जो है 2 प्रकार का होता है। कुत्तों में रेबीज पाया जाता है वह क्या है, वो है फ्लोरिस रेबीज या डम्ब रोबीज, ये दोनों प्रकार के हैं, ये है फ्लोरिस रोबीज रेबीज और डम्ब रेबीज, यानी कि ए एंड बी ऑप्शन हो जाएगा। पीत ज्वर का एजेंट क्या है, तो क्या है, ये है फाइलेरी ब्रूंस, यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पीत ज्वर वाले या येलो फीवर जिसको हम कहते हैं, ये किससे होता है, मच्छर से, एडीज से है, ठीक है, एजेगेप्टाई से है। आगे देखते हैं कि येलो फीवर की बात करते हैं, येलो फीवर में सारे टेस्ट किए जाते हैं, एलाइजा है, इनडायरेक्ट फ्लोराइन टेस्ट है, हीमोग्लोबिन
इनहिबिशन टेस्ट है, यानी कि उपरोक्त सभी है। अगला देखते हैं, निम्न में से पीत ज्वर की क्या विशेषता या लक्षण है? तो सारे लक्षण हैं, पीलिया भी हो सकता है, काली उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द या कोमा में जा सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस उद्भवन काल कितना है इसका? 20 दिन यानी लगभग 20 दिन होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूहा मारने हेतु उचित विष क्या है? आलाप दैवभ है, वारपीन है, जिंक पॉक्साइड है, और आगे फिर देखते हैं कि डिफना फॉर्म है, ठीक है। प्लेग रोग में उपचार में दी जाने वाली दवा क्या है? इसमें टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफिनाकॉल और सल्फामाइड, ये सारी दवाइयाँ हैं। प्लेग का टीका कहाँ दिया जाता है? चमड़ी के जस्ट नीचे दिया जाता है। प्लेग रोग में सामान्यतः किस प्रकार की दवा यूज कर जाती है? सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन दवा यूज कर जाती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काला एजार रोग का कारक क्या है? ये है लेचमैनिया, ठीक है, जीनस लेचमैनिया है। काला एजार रोग संचारित तो होता है, कैसे होता है? फीमेल सेंड फ्लाई से, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। काला एजार रोग की पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट, लिचमेनिया टेस्ट, हीमोग्लोबिन फाइंडिंग टेस्ट और एल्डिहाइड टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काला एजार रोग में उपचार, रोग के उपचार में दी जाने वाली औषधि की बात अगर हम करते हैं तो वो क्या है? वो है सोडियम स्टूबा ल्यूकोनेट और है पेंटाडेमाइन आइसोनेसेज, ये दोनों ऑप्शन है। आगे देखते हैं, सैंड फ्लाई के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? डीडीटी और बीएचसी, ठीक है, बीएचसी या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएचसी का फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, इसका छिड़काव किया जाता है, दोनों का छिड़काव किया जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और डीडीटी का, इन दोनों का जो है छिड़काव किया जाता है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रेटेड डिजीज़ का एजेंट कौन है? हाइड्रेटेड डिजीज़ का एजेंट जो है यह है टेपवर्म है, यही है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टेपवर्म, ओके, ये पहला ऑप्शन टेप। आगे देखते हैं, इचनियों को किस टेपवर्म की लंबाई कितनी होती? 7 सेंटीमीटर की होती है। हाइड्रेटेड डिजीज़ की उद्भवन काल कितना है? ये परिवर्तनशील होती रहती है। हाइड्रेटेड डिजीज़ के निदान के लिए क्या करते हैं? एक्सरे कराते हैं, यूजीसी करवाते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट यानी कि आलाप दैवभ हो जाएगा, सारे टेस्ट करवाते हैं। आप देखते हैं, टिटनेस की बात करते हैं, धनुर्धात जिसको बोलते हैं टिटनेस, वो क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज से है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जिसको बोलते हैं। इसका उद्भवन काल कितना है? 6 से 10 दिन तक होता है। इसमें कौन सा टिटनेस टेट्रासाइड का टीका दिया जाता है? टिटनेस रोग के लिए टीका लगाया जाता है, यह है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस, डीपीटी और टिटनेस और उपरोक्त दोनों, या फिर ये केवल बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यानी कह सकते हैं टिटनेस टॉक्साइड दिया जाता है, ठीक है। टिटनेस का टीका कहाँ लगाया जाता है? मांसपेशियों में लगाया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बताया था कुष्ठ रोग का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कारण है, लेप्रोसी लेप्री से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, विश्व में कुष्ठ के रोगी हैं कितने हैं? 1.32 मिलियन लगभग 132 मिलियन, सॉरी। अगला देखते हैं, कुष्ठ रोग की बात हम करते हैं तो कुष्ठ रोग का प्रसारण का माध्यम क्या है? माध्यम जो है ये सारे है, मतलब बिंदुक से भी, स्प्लिटिंग से भी है, मिट्टी भी है, फोमाइट से संपर्क में और संक्रामक सुई से भी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग में लेप्रोमेटस की दो प्रकार की, देखिए जो कुष्ठ रोग है आपका लेप्रोसी है, ये दो प्रकार, लेप्रोमेटस लेप्रोसी और एक प्रकार की और होती है लेप्रोसी, दो प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले लेप्रोमेटस लेप्रोसी की बात कर रहे हैं तो इसका उद्भवन जो काल होता है 3 से 5 वर्ष होता है। कुष्ठ रोग के प्रकार क्या है? ये प्रकार देखिए इंटरमीडिएट होता है, ट्यूबरकुलाइड है, बॉर्डर लाइन है और लेप्रोमेटस है। देखिए ये चार टाइप का है, ये देखिए ये चार टाइप का दिया गया है लेप्रोसी, ओके। कुष्ठ रोग की पहचान के लिए क्या किया जाता है? कुष्ठ रोग के पहचान के लिए झील एंड टेस्ट किए जाते हैं, हिस्टोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, लेप्रोमाइन टेस्ट किया जाता है और इंटरडर्मल टेस्ट, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रतिरोधन स्थिति निर्धारण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए भैया लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है। कुष्ठ रोग
के उपचार में कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? बिल्कुल, आपको बताया था डैप्सोन, रिफैम्सिन और ये क्लोराफिनामिन, यानी ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी MDT के लिए यूज किया जाता है। कुष्ठ रोग में उपचार, देखिए ये आ गया, कुष्ठ रोग में उपचार किया जाता है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, एमिनोफोरफाइलेक्सिस या कीमोफार्फालिस, यानी कि इसमें चारों ऑप्शन हो जाएगा। ये कुष्ठ के रोगियों को दी जाती है चारों प्रकार की थेरेपी। ये हो गया आपको सिंगल्स स्किन लीजन, ये जो टाइप की लेप्रोसी में कौन सी दवा दी जाती है, तो इसमें आपको रिफैम्सिन 600 मिलीग्राम, ओफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम और मीनोसाइक्लिक जो है 100 मिलीग्राम, यानी कि उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्राइकोमा की बात करते हैं, ट्राइकोमा ट्रिप्नोसोमा प्लेडियम क्लास्टिडियम ट्राइकोमेनेसिस, ये बिल्कुल क्लैमिडिया स्पीसीज से ट्राइकोमा होता है। ट्रिप्नोसोमा प्लेडियम नहीं होगा, हेमोफिलिस डिस्ट्रॉय नहीं होगा और हर्पीस सिंप्लेक्स भी नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि विकासशील देश में अधिगम की बात करते हैं, तो इसमें जो है सबसे बड़ा ट्राइकोमा की है, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत में सक्रिय ट्राइकोमा कब पाया जाता है, तो ये अप्रैल से मई महीने में पाया जाता है। ट्राइकोमा की उद्भवन काल की बात करते हैं, 5 से 12 दिन है। ट्राइकोमा पर नियंत्रण हेतु कौन सी दवा दी जाती है, उपरोक्त सभी दवा एथ्रोमाइसिन और डिफैम्सिन और टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट सब दिए जाते हैं। STD क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसके अंदर सिफिलिस, गोनोरिया, कैंकर्ड, डेमोबेंसिस और हर्पीस जेनाइटलाइस, इसकी मतलब सारा ऑप्शन सही होगा। सिफिलिस क्या है, सिफिलिस जो है ट्रिप्नोमा प्लेडियम के द्वारा सिफिलिस होता है, ट्रिप्नोसोमा प्लेडियम के द्वारा। कैंकराइड क्या है, ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस नहीं है और हीमोफिलस डिस्ट्राइब यही है ये, ठीक है। अगला देखते हैं हर्पीस जेनाइटलिस का क्या है, तो ये है आपका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जेनाइटलिस का। अगला देखते हैं कि डेनोवेनेसिस का रोग का एजेंट क्या है, तो ये है क्लाइमिडियम स्पीसीज, ओके। अगला देखे हैं रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक शक्ति है वो उत्पन्न की जाती है टीका लगवाने से, अस्पताल में भर्ती होने से या व्यायाम करने से। नहीं, अस्पताल में भर्ती होने से बिल्कुल रोगों की प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ती है, टीका लगवाने से और व्यायाम करने से रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टिटनेस टॉक्साइड का टीका दिया जाता है, आपको अभी बताया था, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। BCG का टीका जो दिया जाता है इंटरडर्मल दिया जाता है। इसके साथ साथ पोलियो का टीका जो है वो मुँह में दिया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं हेपेटाइटिस का टीका जो दिया जाता है, ये आपका इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। पोलियो का जीरो खुराक कब दिया जाता है, जन्म के समय दिया जाता है। इसके साथ साथ अभी पोलियो की पहली डोज कब दी जाती है, पोलियो की पहली डोज 6 सप्ताह पर दी जाती है, 0, 0, 6 और 9, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा खुराक। दूसरी खुराक कब दी जाती है, ये आपकी लगभग 9 या 10 सप्ताह, देखिए 9 हमने कहा ना, तो 9 के करीब करीब 10 सप्ताह लिखा है, तो 10 सप्ताह पे दी जाती है। तो दोस्तों आप सभी को आज हमने जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के को डिस्कस किया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो अभी 13 मार्च को होने जा रही है। आप सभी लोग इस परीक्षा की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, हमारे माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से। आप सभी को सभी प्रकार के ये क्वेश्चन जो है हम पूरे हर तरीके से घेराबंदी करके चारों तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो विभिन्न प्रकार के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम बहुत फोकस करके आप सभी को तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे समय समय पर आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी सूचनाएँ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।